धार जिले के कुक्षी क्षेत्र में नर्मदा घाट एवं मुक्तिधाम संरक्षण समिति के द्वारा लगातार रक्तदान शिविर आयोजित कर ट्राइबल क्षेत्रों में जन जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत निसरपुर के समीप कोटेश्वर तीर्थ पर आज गंगा दशमी के शुभ अवसर पर घाट निर्माण एवं संरक्षण समिति के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्गों के रक्तदान दाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक रही। साथ ही पुलिस विभाग निसरपुर चौकी प्रभारी दिलीप सिंह पिलेवला एवं उनकी पुलिस टीम के द्वारा भी रक्तदान किया। मां नर्मदा घाट निर्माण एवं संरक्षण समिति के द्वारा कोटेश्वर तीर्थ पर साल में दो बार रक्तदान शिविर का विशेष आयोजन किया जाता है। गंगा दशमी के इस पावन अवसर पर ग्राम देशवालिया की महिला मंडल टीम के द्वारा मां नर्मदा को लगभग 700 मीटर चुनरी अर्पण की एवं नर्मदा घाट पर स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मां नर्मदा घाट एवं मुक्तिधाम संरक्षण समिति के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। रक्तदान शिविर में संस्था के द्वारा लगभग 300 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। खबर लिखे जाने तक लगभग 100 यूनिट रक्तदान हो चुका था। कुक्षी से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। गंगा दशमी के पावन पर्व पर आज एक तो चुनरी का कार्यक्रम रखा गया है ग्राम पंचायत की महिलाओं द्वारा। उसके बाद में मां नर्मदा घाट संरक्षण समिति की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का रखा गया है। ये रक्तदान शिविर 2016 से निरंतर चल रहा है और अभी तक लगभग 6000 यूनिट रक्तदान तो मां नर्मदा घाट निर्माण समिति की ओर से हो गया। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि आदिवासी बंधु ट्राइबल के जो लोग हैं उनको जागरूक करना, ताकि अधिक से अधिक लोग ब्लड दूध और ब्लड दान दे सके। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।